The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Bronchitis. Today we are going to talk about a very, very big and very important problem. Bachchon mein, badon mein, naujawanon mein, naujawanon mein. बहुत ज़रूरी और बहुत ही खूंखार टॉपिक है, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है ये ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? देखिए, आपकी सांस की नलियों को कहते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल ट्यूब्स। तो अगर उसमें कहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है इरिटेशन, एलर्जिक रिएक्शन, इन्फेक्शन, वट एवर यू वॉन्ट कॉल इट, उस सांस की नली में कहीं पर भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ये ब्रोंकस, ये जो सांस की नलियों का काम है आपके बाहर से ऑक्सीजन लेके आपके लंग्स तक पहुंचाना, और फिर लंग्स का काम है कि वो ऑक्सीजन आपके खून में डाल के खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पहुंचाना। हो क्या जाता है जब ब्रोंकाइटिस हो जाता है? तो जो ब्रोंकस है, यानी कि जो सांस की नलियाँ हैं, जो ब्रोंकियोज, ब्रोंकस है, वो पतली हो जाती हैं, वो छोटी हो जाती हैं, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़े में हो, ब्रोंकाइटिस एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो, वो छोटी हो जाती है। एक्यूट के केस में ज़्यादातर ये एलर्जिक रिएक्शंस होता है। ज़्यादातर केसेस में ब्रोंकाइटिस में आपको म्यूकस बढ़ जाएगा। म्यूकस जो एक नॉर्मल सिक्रीशन होता है ब्रोंकस, यानी कि एक सांस की नली में। क्यों होता है म्यूकस? क्योंकि जो भी सांस की नली में कचरा, डस्ट पार्टिकल जाते हैं, वो म्यूकस में चिपक जाते हैं और म्यूकस लगातार बाहर की तरफ पुश होता रहता है। उसमें छोटे छोटे हाफ सीलियां होते हैं, बाल होते हैं, जो बाहर पुश करते रहते हैं उसको, और इसीलिए म्यूकस आपका गले में आता है। कई लोग निगल जाते हैं, कई लोग थूक देते हैं। सो म्यूकस आता है, गाढ़ा म्यूकस होता है, तो आपको गले से आवाज करके करके निकालना पड़ता है, जैसा कभी कभी मुझे करना पड़ता है। सो ऐसे कंडीशन में इट्स नॉट समथिंग लाइक अ ब्रोंकाइटिस, बट ये सिर्फ थिक म्यूकस है। ब्रोंकाइटिस में आपको सांस की नलियां लिटरली थोड़ी छोटी हो जाएंगी। सो म्यूकस का कलर भी चेंज हो सकता है, और ब्रोंकाइटिस एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट का मतलब है कि कोई ना कोई एकदम से चीज ने उसकी बंद कर दी है, सांस की नलियों को सुगड़वा दिया है, स्पाजम कर दिया है। एलर्जिक रिएक्शंस ज़्यादातर केसेस में ये कारण होते हैं। एलर्जिक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जब यही चीज़ रोज़ाना हो रही है और लंबे समय में जो एक्चुअल उसका साइज है सांस की नली का, वही छोटा होता हो गया, परमानेंट छोटा हो गया है, तो छोटे से ही वो हो रहा है, बड़ा हो ही नहीं रहा प्रॉपर, तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। COPD एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का एक कारण है, जो स्मोकिंग के वजह से होता है, चूल्हा फूकने के वजह से होता है, तंबाकू के वजह से, बीड़ी के वजह से, सिगरेट के वजह से होता है, और इवन पोल्यूशन के वजह से होता है। इवन बाहर के डस्ट पार्टिकल्स, जो आजकल स्मॉग पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, दिवाली पोल्यूशन जैसी खतरनाक पोल्यूशंस में ज़्यादा देर रहने से, रोड पे ज़्यादा देर रहने से, समय बिताने से ऐसा हो सकता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। कोल्ड से भी या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, फ्लू से भी आपको ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ये एक्यूट केस में होता है, एकदम से कोल्ड फ्लू का वायरस आपके अंदर गया और वो वहाँ पर ब्रोंकाइटिस यानी इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, और वहाँ आपका ब्रोंकस जो है वापस सुकुड़ जाएगा, सूज जाएगा। ना सिर्फ उसके ये सुकुड़ जाता है, बल्कि उसके वॉल्स मोटे मोटे हो जाते हैं। सोचिए, अगर वो सुकुड़ भी जाएगा, वॉल्स भी मोटे हो जाएंगे, तो अंदर की जगह क्या बचेगी? सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन एक्यूट ब्रोंकाइटिस विथ एनी काइंड ऑफ कंडीशन, इवन इफ इट इज एलर्जिक और ड्यू टू फ्लू वायरल और व्हाटएवर। क्रोनिक इज मोर सीरियस ऑब्वियसली, बिकॉज इसमें लंबे समय में ऑक्सीजन की मात्रा आपके पूरी बॉडी को नहीं मिलेगी, छोटी छोटी चीज़ें दिखने लगेगी, हाथों में क्लबिंग दिखने लगेगी, नेल्स में, जो हमने नेल वाले वीडियो में कवर किया था। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कई बार सांस इतना फूल सकता है कि पेशेंट को एडमिट करना पड़े, और एक्यूट में ज़्यादातर हिस्ट्री 10 दिन से कम की होती है, एक हफ्ते से 10 दिन से कम की होती है, और क्रोनिक में वो ज़्यादातर 2 से 3 हफ्ते के ऊपर हो गया होता है, तब वो दिक्कत आती है, 3 हफ्ते के ऊपर एक्यूट और क्रोनिक। ये बात याद रखिए कि रिपीटेड ब्रोंकाइटिस जब होते रहेगा तो क्रोनिक आ ही जाएगा, और उसी को हम कहते हैं COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD या COAD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। सो दिस इज क्रोनिक, क्रोनिक मतलब लंबे समय, राइट। सो किसी को भी ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, वट एवर इट इज होगा, तो उसको सिम्टम क्या आएगा? सिम्टम नंबर 1 इज थोड़ी सी खांसी आई।
म्यूकस आएगा, खांसी आएगी, म्यूकस आएगा, म्यूकस गाढ़ा होगा, येलो हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, उसमें ब्लड भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, कभी कभी ज़्यादा ब्लड आ रहा है, ज़्यादा देर खफ आ रहा है, खांसी आ रही है, तो ट्यूबरकुलोसिस का भी डर होता है, टीबी का भी जाँच करनी पड़ती है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकता है। उसके बाद फटीग, जी हाँ, क्योंकि आपकी ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक है, एक्यूट है, दोनों ही केसेस में आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जितना आपके शरीर को चाहिए, इसीलिए आपको हो जाएगा थकावट और सांस तो फूलेगा ही फूलेगा, और उसके साथ स्लाइट फीवर भी रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज़ फ्लू और एलर्जिक रिएक्शन, फीवर रह सकता है, चिल्स रह सकता है, छाती में डिस्कम्फर्ट रह सकता है, दोज थिंग्स कैन हैपन। अर्ली सिम्टम्स में दैट कैन बी जस्ट माइल्ड कफ एंड बलगम गाढ़ा हो जाना, जैसे कि हमें हो रहा है, तो हमें एलर्जिक चीज़ों से बचना है, थोड़ा बहुत स्टीम लेना है, पानी खूब पीना है, गर्म पानी, वो प्रिवेंटिव चीज़ें हम बात करेंगे। सो अगर आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और आपको कोल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, साथ में कोल्ड है तो हेडेक भी हो सकता है, बॉडी एक भी हो सकता है, सर्दी खांसी, दैट्स द थिंग। वो अगर कोल्ड है, फ्लू है, तो एक हफ्ते तक रहेगा, दैट इज़ अ वन वीक थिंग, और वो ठीक हो जाएगा एक हफ्ते के बाद। क्रोनिक है तो वो लंबा चलेगा। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्रोडक्टिव कफ अगर 3 महीने से ज़्यादा रहता है तब उसको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन बोलते हैं, तीन महीने से ज़्यादा हो गया है, खांसी नहीं जा रही है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं उसको। अगर आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो फिर आपको अपने डॉक्टर के पास में क्रोनिकली ट्रीटमेंट हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ दवाइयों की ज़रूरत या हर सर्दी, हर ठंड के मौसम में दिक्कत ज़रूरत पड़े, रिमेंबर दैट। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी हो रहा है तो आप डॉक्टर को जाके दिखा सकते हैं। एनीवेयर ये सारी चीज़ों के लिए इवैल्यूएशन अच्छा है। याद रखिए इसका कारण वायरसेस भी होते हैं, कोल्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, कभी कभी बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, और एलर्जिक रिएक्शन और स्मोकिंग इन्वायरमेंटल कॉजेज भी हैं। रिस्क फैक्टर हमने ऑलरेडी बताए हैं, किसी किसी की इम्यूनिटी लो होती है, किसी को एलर्जिक रिएक्शन होता है, किसी सिगरेट स्मोकिंग है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी कई बार प्रॉब्लम कर सकता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स अगर थ्रोट में चला गया तो उसको एक्यूट या उसको ब्रोंकाइटिस बनने के लिए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है। इरिटेंट्स, अगर जॉब में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ें हैं, जैसे कोई लंग इरिटेंट है, कोई गैस है, कोई टेक्सटाइल मिल्स है, केमिकल फ्यूम्स है, धुआं है, वो सारी चीज़ें आपको अगेन प्रॉब्लम कर सकती हैं, ऐसे ही अगर वर्क स्पेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। कॉम्प्लिकेशंस के याद रखिए, कोई भी प्रकार का ब्रोंकाइटिस है वहाँ पर कंसर्न आ सकता है कि अगर वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करता है तो रेस्पिरेटरी फेलियर जैसी चीज़ें हो सकती है। अगेन अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो, अर्ली साइन सिम्टम पकड़ के प्रिवेंट करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, गेट वैक्सीनेटेड। जी हाँ, देर इज़ अ वैक्सीन फॉर फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, इन तीनों का मिला के वैक्सीन बनता है, बेसिकली जो फ्लू शॉट बोलते हैं, हर साल नया वैक्सीन आता है, मैं लगवा चुका हूँ, परसों ही लगाया था, दर्द दे रहा है अभी भी, थोड़ा कभी कभी दर्द देता है, खासकर अगर बीवी लगाए तो, और फिर उसके बाद नहीं देता, आप अपने डॉक्टर से लगवा लेना, ठीक है, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। एलर्जी बच्चों को भी लगाना है, 6 महीने से ऊपर वाले बच्चों को। ऑलराइट, सो अवॉइड स्मोकिंग, ऑब्वियसली वैक्सीन लेना है, हाथ अच्छे से धोना है, जी हाँ, हाथ धोने से फ्लू बचता है, क्योंकि क्या होता है, लोग नाक भैरी होती है, यहाँ हाथ लगा के वहाँ हाथ लगाते, यहाँ हाथ लगा के वहाँ हाथ लगाते, फिर आप भी वहाँ हाथ लगा के हाथ यहाँ लगाते, और जय हो, फ्लू हो जाता है। और वेयर अ सर्जिकल मास्क और सम मास्क, एटलीस्ट N95 मास्क अगर बाहर जा रहे हो तो, वट एवर इट इज़, जरूरी है ये सब चीज़ें। उसके बाद कैसे करोगे डायग्नोसिस, कैसे करोगे ट्रीटमेंट, याद रखिएगा डायग्नोसिस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, कई बार देखते ही समझ में आ जाता है कि ये कुछ ना कोई छाती की बीमारी है, इस फुंतरू से, इसको फुंतरू नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो पता चल जाता है कि छाती में ब्रोंकोस्पाज़म है या पानी भर रहा है, ये क्रेप्ट्स है, रोंकाई है, रेल्स है, क्या आवाज़ किस तरह की आ रही है, वो डॉक्टर का काम है। लेकिन बेसिक टेस्ट जो होते हैं, एक होता है छाती का एक्सरे, छाती का एक्सरे में पता चलता है कोई इन्फेक्शन निमोनिया तो नहीं है, किसी और प्रकार की कोई बीमारी, क्रोनिक सीओपीडी तो नहीं है। स्पूटम का टेस्ट करते हैं जिसमें पता चलता है कोई ट्यूबरक्लोसिस, कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो किस चीज़ का है, स्पूटम का कल्चर भी कर सकते हैं, राइट। और एलर्जीज के साइन कैन ऑल्सो भी टेस्टेड फॉर साइंस ऑफ एलर्जीज, स्पूटम कैन ऑल्सो भी टेस्टेड फॉर दैट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी आता है, पीएफटी डिटेल भी होता है, एक छोटा भी होता है, तो पीएफटी कर सकते हैं जिससे हम सीओपीडी, एम्फाइसीमा जैसी बीमारियों को समय अनुसार पकड़ सकते हैं, और छाती के लिए सीटी स्कैन भी आते हैं। सो ऑल दीज टेस्ट आर अवेलेबल, अल्टीमेटली डायग्नोसिस सीबीसी, ब्लड टेस्ट, बाकी सबके मदद से, हिस्ट्री के मदद से एक डॉक्टर करता है। बेस्ट डॉक्टर इज अ चेस्ट फिजिशियन, अ पल्मोनोलॉजिस्ट। ऑलराइट, ट्रीटमेंट एक्यूट ब्रोंकाइटिस
कई बार बिना दवाई के ठीक हो सकता है हफ्ते भर के अंदर, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ ना गया, आपको हॉस्पिटल पहुँच के नेबुलाइजेशन इंजेक्शन की जरूरत ना पड़ गई। दवाइयों में याद रखिए, कई बार अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक नहीं लेना, मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ, एंटीबायोटिक नहीं लेना, फ्लू में कोई काम नहीं होता, रेस्ट करो, पानी पियो, रिलैक्स करो, राइट, दैट इज इनफ। कफ मेडिकेशन ले सकते हैं अगर कफ आपको सोने नहीं दे रहा, या फिर तो उसमें कफ सप्रेसेंट ले सकते हो रात रात में। उसके अलावा सीओपीडी की, एस्थमा की, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, क्रोनिक नॉट एक्यूट, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, एक्यूट ब्रोंकाइटिस अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसकी दवा आती है। सॉरी थोड़ा हिचकी आ रही थी। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट इट। और थेरेपीज जो बहुत सारी आती हैं, जैसे कि पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, जिसमें रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, वो भी बहुत वैल्यू रखते हैं इसमें। जैसे कि अगर कोई भी लंग इरिटेंट हैं घर में, काम में जो स्मोक है वो सी चीज़ें हटाओ, ह्यूमिडिफायर यूज़ करो, वार्म मॉइस्ट एयर हेल्प करती है कफ को, म्यूकस को सूदन करने के लिए। नेबुलाइजेशन या स्टीम लेते रहो, फेस मास्क पहनो बाहर जाते हो तो, बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और अपने डॉक्टर से जाके रेगुलर हेल्थ चेकअप कराओ, बीड़ी सिगरेट तंबाकू से दूर रहो और दूसरों को पकड़ पकड़ के दूर करो, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर अबाउट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, एलर्जी हो सकती है, वायरस फ्लू शॉट्स जरूर लेना है, फ्लू हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, एलर्जीज के लिए धूल मिट्टी डस्ट से बचना है, प्रिंसिपल्स यही है, इसी प्रिंसिपल्स पे काम करना है। इसके अलावा एलर्जीज के हमारे डिफरेंट वीडियोज़ हैं, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और कोई भी सवाल है तो हमें पूछिए, हम बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और मेक श्योर कि आप हर वीडियो लाइक करें, वट एवर इट इज़, हर वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है जब तक लाइक नहीं होंगे तब तक वो लोगों को रेकमेंड नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं अच्छी जानकारी लोगों को रेकमेंड की जाए, सही जानकारी मिले, नहीं तो क्या होगा, लोग एंटीबायोटिक खाते रहेंगे, रेजिस्टेंस होगा, आगे चल के आपको रेजिस्टेंस बैक्टीरिया मिलेगा, आमा का जरा है कि नहीं। सॉरी, मेरा आपके लिए खुद को करना है, ठीक है, तो डू दैट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।